कहा वो मैं एक फिल्म करना चाह रही हूँ इंडिया में. अम्मा जाए वॉट वॉट यू टॉकिंग अबाउट वॉट इज इट एंड अब्बा जाए जाने क्या तूने कहे हम सफ़र. ऑफ कोर्स मैं हम सफ़र के लिए गई थी बॉम्बे मुंबई. सो वहाँ वो 3 साल बाद ऑन एयर कर रहे थे और प्रमोशंस के लिए मुझे बुलाया था. तो आई वेंट एंड मुझे एक कॉल आई. कॉल आती गई. मैं फ़ोन वोन मेरा पता नहीं. इनफैक्ट यू हैव माई. सो फ़ोन मेरा कहीं पड़ा हुआ था. फ़ोन बचता गया कुछ पता ही नहीं चला. फिर एक मैसेज आया बिग फिल्म पिक अप. मैंने कहा अगर कुछ नहीं तो मज़ा तो आएगा इसको. ये तो मैं कॉल लूँगी. तो मैंने कहा ओके बिग फिल्म पिक अप. मैंने कहा हेलो जी दिस फिल्म यू नो उन्होंने. मैंने कहा नहीं आई डोंट नो इफ आई मुझे नहीं पता. मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी फिल्म की बात हो रही है. और मैं दूसरे दिन वापस कराची आ रही थी. सो अगेन मंडे था तो संडे वापस आ रही थी. तो उन्होंने जब बताया कि एक्सेल प्रोडक्शंस है तो आई दैट रैंग अ बेल. क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं. दिल चाहता है और ज़िंदगी ना मिलेगी. देव मेड सम गुड फिल्म्स. सो आई सेड ओके. उन्होंने कहा अगर आप कल मिल सकती हैं तो हम डायरेक्टर के साथ. और ये वो तो मैं सुबह उठ गई. उनसे मुलाकात हुई. उन्होंने मुझे थोड़ा स्टोरी का बताया. लेकिन शाहरुख खान एक सीक्रेट रखा. मैंने भी गूगल किया. ये कौन सी फिल्म है. बट आई कुडंट थिंक कि अच्छा ये मुझे शाहरुख खान के ऑपोजिट. खैर दूसरे दिन उन्होंने मुझे ऑडिशन पर बुलाया. मैंने कहा देखिए मैं सिर्फ सुबह को आ सकती हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है और मुझे जाना है. खैर मैंने ऑडिशन दे दिया. ख़त्म हो गई बात. थोड़े दिनों बाद उनका फ़ोन आया. उन्होंने कहा जी यू गॉट द पार्ट. मैंने कहा व्हाट्स द पार्ट. उन्होंने कहा यू आर द लीड हीरोइन ऑपोजिट शाहरुख खान. मैंने कहा ओके कैन यू सेंड मी द स्क्रिप्ट. दे सेड व्हाट. आई सेड Can you send me the script? What? Yeah, it's Shah Rukh Khan. I said, I know. I wanted to say, you're telling me I love him. But can you send me the script? And they were actually very, very kind. I had another visa. उन्होंने कहा कि आप या तो यहाँ आ जाएं, हम आपको narrate कर देते हैं, या फिर हम आपको पूरी script भेज देते हैं. So that's what happened. And honestly, what happened in my house is very funny. क्योंकि मैंने सबको एक राउंड अप किया. अम्मा अब्बा मेरे भाई सबको. बहुत देर रात थी. मैंने कहा वो आई हैव टू टेल यू गाइस समथिंग. मैंने कहा हाँ ये वो. मैंने कहा वो मैं एक फिल्म करना चाह रही हूँ इंडिया में. अम्मा जाए व्हाट व्हाट यू टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इट एंड अब्बा जाए अच्छा आगे बोलो. इट साउंड्स लाइक आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ हेयर. सो एवरी वन नो वन केयर्ड. आई वॉज लाइक प्लीज जस्ट सिट आई हैव टू टेल यू दिस. लाइक ओके. I said, it's with Shah Rukh Khan. My mother went, I said, no, Amma. She said, you're lying. I said, no, I'm not lying. No, she's lying. I said, no, Amma, I'm not lying. Shah Rukh Khan is your... I said, yes. She said, पता नहीं इस बच्ची ने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं जिंदगी में. आई वाज़ लाइक क्या हो गया. बट व्हाट्स द रोल. यू कांट डू एनीथिंग बैड. आई वाज़ लाइक आई विल नॉट डू एनीथिंग डोंट वरी. अब्बा वाज़ लाइक माय फादर ऑन द अदर हैंड वाज़ लाइक के आर यू श्योर. ही इज़ जस्ट लाइक मी. ही वाज़ ऑल्सो ऑन गूगल. ही इज़ लाइक व्हाट्स द नेम ऑफ द फिल्म दैट यू आर गोना बी डूइंग. सो इट वॉज द स्ट्रेंजेस्ट. इन फैक्ट मुझे नहीं पता कि शाहरुख खान से मुलाकात वो तो एक और ही जब मैं मिली उनसे और फिर सेट पे वो एक और चीज़ थी. लेकिन ये जो मेरे घर में चला ना इट वाज हिलेरियस. क्योंकि किसी को ये यकीन नहीं आ रहा था. कुछ अगेंस्ट भी थे कि पता नहीं कहाँ क्या करके आएगी कौन जाएगा इसके साथ. इट वाज जस्ट एन अनरियल सिनेरियो. एंड ऑल्सो आई विल टेल यू समथिंग. एज अ किड देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई यूज्ड टू प्रे फॉर. बट I love me. I want to work with Shahrukh Khan. Was one of small little, you know, kids praying for things that they think that they
उस वक्त ऐसे आप सोचती होंगी कि अंकल शाहरुख के साथ मैं करूँगी, ये क्या पता था कि उनके ऑपोजिट करना होगा। अच्छा, तो अभी आपने बात छेड़ी थी और फिर गोलमोल कर दी कि शाहरुख खान से पहली दफ़ा मिलना, फिर काम करना, उसकी थोड़ी सी कोई डिटेल्स तो बताएं। क्या बताऊँ, अभी पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई तो अगेन वही मैं नरेशन के लिए गई थी, तो वो मिलने आए थे, उन्होंने एक्चुअली मेरा आई थिंक ऑडिशन देखा था एंड दे ऑल लाइक्ड इट। सो एंड काफ़ी और लड़कियों ने ऑडिशन किया था, मैं तो मुझे तो लग रहा था मैं बहुत ही कोई ऑडिशन दे के आई हूँ, लेकिन मैंने पूरा रट्टा लगाया था जब मैं गई थी। सो ही व्हेन आई वेंट आउट, सो आई डिडंट नो कि यू नो यहाँ इट्स वेरी लाइक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ये वो। तो मैंने कहा नो, द गुड थिंग टू डू इज़ हेलो 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 हेलो। ओके, मैं निकली अपने ट्रेलर से और मैं बाहर गई तो देर ही वॉज स्टैंडिंग, ऑफ कोर्स मेरे तो सब चीज़ें यू नो द लीव्स वर फ्लाइंग, सूरज हुआ मध्यम मध्यम और स्लो मो स्लो मो सर मध, आई वॉज लाइक वॉकिंग इन स्लो मो। एनी वे, सो दैट्स नॉट ट्रू, आई जस्ट आई वेंट टू हिम एंड आई सेड हेलो एंड ही सेड अस्सलाम वालेकुम। How could I not say Assalamu Alaikum? That's my thing. I am from Pakistan. Why did I not do that? Oh my God! Of course, bas Waalaikum Assalam. मैं अपनी आपने मुसाफ़ा कर लिया। मैं Waalaikum Assalam. Waalaikum Assalam. क्योंकि imagine मैं तो अपने तौर पे एक न्यूट्रल, मैंने कहा हेलो, अब मुझे क्या पता था कि वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। मैं उसके बाद फिर मैंने सलाम ही सलाम, मैंने कहा ये अस्सलाम वालेकुम है, ओके फाइन अस्सलाम वालेकुम। सो एवरी मॉर्निंग आई सेड अस्सलाम वालेकुम। सो या, आई हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम वर्किंग, आई हैव लर्नड अ लॉट। फॉर एग्जांपल, मतलब ये बात इतनी आसानी से तो नहीं हम जाने दे सकते ना कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सबने, बहुत I've never actually talked about। अच्छा, जो सेट पे आते तो वो यूं करते हैं? नहीं। अच्छा, तो यही तो पूछ रही है वो कि क्या करते हैं। हमें तो लगता है कि वो यूं करते हैं बस। नहीं अच्छा, आई सी दैट, आई सॉ दैट, but if I don't know what to talk about, I never really talk about this, but okay, is he a giving actor? He like is there a very are actors okay. So he is act, so there I'll tell you what all I learned from him apart from singing in high speed. I learned which is something that one must learn from Shah Rukh Khan, you know. He can do that like nobody other. The other thing I learned from him was that he is a very giving actor. He does not care about just his own dialogue or his scene or his performance. Believe me, he cares about every single person in the frame. And he says that, he's like, you know, a film is made in totality. Ye tum achhi hogi to main achha hunga, agar main achha hunga to tum achhi hogi, and vice versa. So he always used to say that to me. One thing he always says, speed up the, you know, hum log, we are so used to talking slowly, at least I speak slowly, I think. So he would always say, jaldi baat karte hain yaar, usse jaldi mein, jaldi se mujhse jaldi nahi hota. So you know, there were two different schools of acting, I think. And he would, so yeah, there are so many things he told me. It was an experience, really. I would sit with him, I'd ask him questions, I would ask him about the films that I liked him in, you know, like Dil Se and stuff like that. I would ask him, ki, did you also like yourself in that as much as we all liked you in that? Stuff like that. Another thing that I learned, and that's why, I mean, I always felt this, but now I feel this even more. It can be Shah Rukh Khan, or it could be Brad Pitt or Daniel Day-Lewis, whoever it may be. But yes, I worked with someone who is supposedly, and he is, the biggest star that
is there, supposedly, yeah, right? He's been treated the number one. He's the number one or second most powerful actor. So here he was, the most powerful actor star in front of me. And believe me, he was working harder than any one of us. That's why when I... ये तालियां अर्नाब गोस्वामी तक जरूर पहुंचनी चाहिए और किसी तक पहुंचे ना पहुंचे सही बात है हाँ so when and you know the things that he does like he stops for every selfie he stops for his fans so anytime I think about it I feel that's my greatest treasure that I will stand there on set because I saw someone do it and I felt like I want to be like this. And I feel like this about so many others, even in Pakistan. Sorry, I'm taking it away from Shah Rukh. But someone like Samina Pirzada, I worked with her in Shahrazad. Mm. You know, she also, she was in pain. And I told her, I said, Jia, bed jaye, I'll give my close-up. She said, nahi. Main to yahan khadi hungi aur tumhe close-up dungi kyunki mujhe, main chahti hun ye tumhara scene achha ho. These are the kind of actors I have worked with and I will take this. So one day when I am playing someone's nanny or mother, and I don't care if my knee is hurting, I will stand and give them a close-up shot. Inshallah.